कि इनके पास न कीमोथेरेपी मौजूद है, न कीमोथेरेपी के इंजेक्शन मौजूद है, ना हमारी अफोर्डेबल है। 20,000 का एक इंजेक्शन आता है कीमोथेरेपी के, 15-15 दिन में लगने होते हैं कीमोथेरेपी, या महीने में, दो महीने में 20,000 का एक इंजेक्शन। गरीब फैमिली कहाँ से अफोर्ड करे? वो चले जाते हैं कराची जिना हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में जहाँ डिफरेंट ट्रस्ट मौजूद है, डिफरेंट इदारे मौजूद है जो उनको इंजेक्शन फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अजाम, ज़िंदगी के जो है ना आखिरी दिनों को जिना हॉस्पिटल के किसी वार्ड में सिसक सिसक कर गुजार देते हैं। फिर डेटा कहाँ से जमा होगा? न सीनार के पास डेटा होगा, न बीएमसी वार्ड के पास डेटा होगा, न जिना के पास डेटा होगा। अलबत्त हाँ, जिना में शायद आपको डेटा मिल सकेगा, इतने लोग आए हमारे वार्ड में मर के चले गए, लेकिन ये डेटा कलेक्ट करने से हमारे लोग कासिर हैं। क्यों कासिर हैं? क्योंकि आज तक हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, अवेयरनेस दूर की बात, वो इतना भी मालूम नहीं कर रहे कि आपके कितने लोग मर रहे हैं इन वजूहात की बिना पर। जब हमारे सहाफ़ी हजरात, जब हमारे राइटर्स लिखते हैं कि चागी हॉस्पिटल से, क्वेटा में मौजूद किसी टर्शरी सेंटर से, या कराची मौजूद किसी टर्शरी सेंटर से मालूम करें कि आया चागी के यहाँ पर कितने मरीज आ रहे हैं, उन मरीजों में कौन सी बीमारी है, आया वो आपके आम मलेरिया, टाइफाइड, इस तरह की बीमारी है जो कोई वायरस से मुतालिक बीमारी है, या वाकई वो रेडिएशन से मुतालिक बीमारियां है। कैंसर के लिए हर दूसरे दिन आप देखो कि चंदा हो रहा है उस मरीज के लिए, लेकिन उस मरीज का डेटा, उस मरीज की कैंसर की वजह बताई नहीं जा रही। दुनिया इस दौर में मुकम्मल तौर पर मादियत परस्त है, मटीरियलिस्ट है। दुनिया के लिए जवाब सिर्फ साइंस है, आपको रीज़न दे रहा है, साइंस ही आपको रीज़न दे रहे हैं। लेकिन हम बलूचिस्तान, यहाँ पे आइडियलिस्टों का टोला बैठा हुआ है, हमारे लिए हर चीज़ मौजज़ा है, हर चीज़ किस्मत है, हर चीज़ खुदाई चीज़ है। हमारे लिए चीज़ों के वजूहा, चीज़ों के असबाब ढूंढना खतरे का काम है, गुनाह का काम है। हत्ता कि जब आप साइंस की बात करते हो, जब आप मादियत परस्ती की बात करते हो, चाहे वो आपका आज के दौर में मशहूर जो सबसे आप कहते हो सोशलिस्ट लिटरेचर है, मार्क्सिस्ट लिटरेचर है, वो भी मादियत परस्त है। आपका पॉलिटिकल रुझान है वो भी मादियत परस्त है, आपका जो साइंस है वो भी मादियत परस्त है। लेकिन बलूचिस्तान में आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आइडियलिस्ट ही बना गया है। आपके लिए हर चीज़ नसीब है, हर चीज़ किस्मत है। किसी को कैंसर हो गया, भाई नसीब था इसका, कोई मर गया कहते भी फिलानी का इलाज हो गया लेकिन मेरा बंदा मर गया, इसका नसीब है। नसीब नहीं है, हर चीज़ के पीछे वजह है, रीज़न है। जब तक हम नसीब, मौजज़ों और दीगर आइडियल चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो हम दुनिया के इस लेवल पे इससे भी बदतर गिर जाएंगे। आज इन दोनों सियासी पार्टियों ने जो ये कदम उठा है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। और इस जो हालांकि उनके पास अफरादी कुव्वत कम है, इनके पास जो है ना बाकी चीज़ें कम है, लेकिन ये फैसला एक कॉन्शियस फैसला है। आप अपने लोगों को अवेयर कर रहे हो, आप इस बारे में कम से कम बाकी लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हो कि दिस इज़ नीडेड, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। क्यों हमारे पास कोई डेटा अपने असल हालत में मौजूद नहीं? क्यों कर हमें मालूम नहीं कि बलूचिस्तान में कौन सी बीमारी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, इसके वजूहात, इसके असबाब क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है आपके पास, लेकिन आप डेटा कलेक्ट तो कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली सीनार गई थी, मुझे ये डेटा चाहिए था कि कौन से कैंसर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं सीनार में, तो मुझे नहीं दिया गया क्योंकि वो कह रहे कि हम अथॉरिटाइज बंदे को देंगे, और मैं वो बंदी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ डेटा शेयर करे। तो वो कौन होगा उनके साथ जो डेटा शेयर करे? आपका हेल्थ सिस्टम, आपका हेल्थ मिनिस्टर, आपके पॉलिटिकल पार्टीज, अथॉरिटाइज बंदे हैं, वो पूछ सकते हैं उनसे, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती। वो पूछ सकते हैं, फिर वो उस डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, वो इसके असबाब और चीज़ों पर रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। और हम जैसे लोग जब चाहते हैं तो हमें इजाज़त नहीं होती या हमें थ्रेट्स दिए जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो आगाही मुहिम है, मैं बीइंग डॉक्टर इसके ऊपर कुछ शेयर करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। चूँकि कैंसर जो होता है या फिर ट्यूमर जो होता है, उसके दो किस्में होते हैं। एक आपका मैलिग्नेंट होता है, एक बिनाइन, यानी एक वो जो कि एग्रेसिव नहीं है, आपके जिस्म में इतनी तबाही नहीं कर पा रही, और एक वो दूसरी चीज़ है जो जिसे आप कैंसर कहते हो, जो आपके जो कि मुकम्मल तौर पर आपके जिस्म में फैलने का
या आपके जिस्म के हर उज्वे तक फैलने का उसके पास कैपेसिटी होता है। और एक दूसरे किस्म के ट्यूमर है जो ब्रेस्ट तक ही महदूद रहते हैं, उनकी सर्जरी करा के रिमूव किए जाए तो कुछ नहीं होता। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के टाइप आगे, जो ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम कहते हैं जिसकी वजह से अमवात हो रहे हैं वो मैलिग्नेंट टाइप है। मैलिग्नेंट कैंसर के जो वजूहात होते हैं, नंबर वन, आपके फैमिली में ये इशू चल रहा हो, फैमिलियल इशू है, जेनेटिक्स में आपके खुलिया डीएनए में ये रन कर रहा होता है, आपकी जीन्स में रन कर रहा होता है। अगर किसी एक फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उस फैमिली से नीचे आप बाकी लोगों में स्क्रीनिंग करवा लेके हो सकता है उनको भी कैंसर हो सकता है। नंबर टू, 40 साल के बाद जब फीमेल्स मेनोपॉज में चले जाते हैं, उनकी में कैल्शियम की कमी होती है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी यानी उनको हार्मोन के टेबलेट दिए जाते हैं, तो वो हार्मोन भी कैंसर काज कर सकते हैं। नंबर थ्री, फैमिलियल रीज़न हो गया और लोगों के आदत, जो आदत है कि आप क्या खा रहे हो, आप आपकी फूड किस तरह की, आप लाइफस्टाइल कितने हैं, मोटापा जो हो गया, ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही। लेकिन जो अहम फैक्टर है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो है रेडिएशंस। तापकार जो शुआ होती है वो इसका मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर है। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे मोटापा हो गया, आपके जितने चर्बी वाले खुराक हो गए, वो नेक्स्ट जो अब तक क्लियर नहीं, लेकिन जो मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है रेडिएशंस। और इस वक्त दुनिया में ख्वातीन में सबसे जो लीडिंग कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। कितने सारे ख्वातीन जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर रहे होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, लेकिन फीमेल में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। 90% या 99% फीमेल को हो सकते हैं, 1% मेल को भी हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो रीज़न है, नंबर वन फीमेल जेंडर होना, नंबर टू अगर आपके फैमिली में वो जीन्स पॉजिटिव है जिसको बरका जीन्स कहते हैं, बरका जीन्स का पॉजिटिव होना, और नंबर थ्री है रेडिएशंस। चूंकि रिसर्च की कमी है, एनालिसिस की कमी है, मगर हम फिर भी ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कैंसर की सबसे अहम वजह है वो है रेडिएशंस। क्योंकि आपके यहाँ पे लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं दी जा रही, लोगों का कैल्शियम कम भी हो उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं दी जा रही, महंगी थेरापी है, उस थेरापी की वजह से भी कैंसर हो सकता है, लेकिन वो थेरापी नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो मेन फैक्टर है, या तो आपका बरका जीन होगा या तो फिर आपके रेडिएशन हो गए, लेकिन बरका जीन की भी स्क्रीन नहीं हो रही और फैमिलीज में रन नहीं हो रहा है। मतलब हर एक फैमिली में अलग अलग, मेरी फैमिली ने सफ़र किया, आपकी फैमिली ने सफ़र किया डिफरेंट, फिर उसी फैमिली में आगे रन नहीं हो रहा होता है। इसका मतलब है फैमिली में कैंसर रन नहीं हो रहा, ये क्या है, हमारे रेडिएशन है। लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कितने रेडिएशन मौजूद हैं, इनकी वजह क्या है, इनका सोर्स क्या है। रिसर्च की कमी है, हमारे हुक्मरानों की खामोशी है और बेएहसासी है कि लोगों को सेहत का किसी को वजह ही मालूम, मतलब वो चाहते ही नहीं कि आपके लिए ये मसला हल हो सके। उन्हें लगता है कि अगर किसी और के फैमिली में या फिर हमारे किसी इलीट के किसी सरमायदार के फैमिली में किसी फीमेल को डायग्नोज होता है तो उसकी फौरन सर्जरी थेरेपी शुरू हो जाती है। सफ़र कौन कर रहा है, हमारा गरीब तबका, जो कि अपने कैंसर का पहला स्टेज, दूसरा स्टेज मुल्लाओं हकीमों के साथ गुजार देते, तीसरे स्टेज में जब वो पहुँच जाते तब उनके लिए कोई इलाज पूरी नहीं होती, वो कीमोथेरेपी पे अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार देते हैं। अगर ये कैंसर आपकी इलीट क्लास में डायग्नोज होता है, उनको जैसे ही कोई ब्रेस्ट में कोई गुटली कोई ट्यूमर महसूस होता है तो फौरन जाके वो सर्जरी करवा लेते हैं, फौरन जाके जो बेसिक ट्रीटमेंट्स है उसकी पहली सर्जरी हो गई, उसके बाद जो है ना रेडिएशन थेरेपी हो गई, लास्ट स्टेज में कीमोथेरेपी होता है, वो कीमोथेरेपी की तरफ जाते ही नहीं, वो बहुत ही पहले स्टेज में अपना कैंसर कवर करवा लेते हैं। और आज भी हम इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप अवेयरनेस फैलाएं, आप लोगों को बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है और जितना जल्दी आप इसकी इलाज करवाएंगे आप उतनी जल्दी सर्वाइव करेंगे। अब इसे बचाव के अवेयरनेस किस तरह आप फैलाएं, किस तरह आप लोगों को बचाएं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ है लोगों को ये शऊर दिया जाए सेल्फ एग्जामिनेशन। लोगों को ये बताया जाए अगर आपके पेरिफेरी में डॉक्टर है या नहीं है, बीइंग फीमेल
ये जेंडर का मसला है, डॉक्टर का मसला है या बाकी चीज़ों का मसला है कि कम से कम सेल्फ एग्जामिनेशन हर फीमेल कर सकता है। आप मेल होकर भी अपने फैमिली में ये शऊर दे सकते हो कि सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूरी है। सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए आप एक सेपरेट रूम में आईने के सामने आप खड़े होके दोनों हाथ अपने कंधों से ऊपर उठा के खुद को आईने के सामने देखते हो, क्या दोनों ब्रेस्ट की साइज इक्वल है या नहीं, क्या इन दोनों के कलर में कोई चेंजिंग है या नहीं है, या ब्रेस्ट में कोई आपको गलती या कोई चीज़ महसूस हो रही है नहीं हो रही, कोई गोल सी चीज़, कोई ठोस सी चीज़ महसूस हो रही है या नहीं हो रही। स्किन कलर देखोगे, साइज देखोगे, शेप देखोगे, और अगर सबसे अहम चीज़ निप्पल डिपलिंग कि निप्पल जो है ना अंदर की तरफ जा रही है या नहीं, और स्किन में कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे डिम्पल बन रहे हैं, ऐसे डिम्पल कहते हैं जैसे कोई गढ़ा सा बन रहा है या नहीं बन रहा है स्किन में। तो सेल्फ एग्जामिनेशन के ये तरीके अगर हर फीमेल करे, वो जैसे ही उसको कोई शुभा महसूस हो फिर वो डॉक्टर की तरफ जाए। और दूसरी बात, अगर किसी की फैमिली में कैंसर रन कर रहा हो, अगर किसी की फैमिली में किसी और को हो चुका हो, तो आफ्टर 25 इयर्स वो फीमेल हर साल में या दो साल में बकायदे से डॉक्टर के पास ब्रेस्ट का मुआयना कराए। मैमोग्राफी एक किस्म का जो है ना एक्सरे है, लेकिन उसके श्वा उसके जो है ना एक्सरेज वो कम होते हैं। मैमोग्राफी में वो जो कैंसर हुआ ही नहीं है, जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, जो अभी तक महसूस ही नहीं हो रहा, वो भी नज़र आ रहा होता है। या फिर जो जीन्स की टेस्ट है, बरका जीन्स, यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है और मेरे ख्याल से सिर्फ आगा खान में होता है, बाकी जगह पे नहीं होता। तो एंजेलिना जूली आप सब जानते होंगे, फेमस एक्ट्रेस है, एंजेलिना जूली की फैमिली में बरका जीन्स रन कर रहे होते हैं। तो एंजेलिना जूली भी जाके अपने जब चेकअप करवाती है तो मालूम होता है कि उसकी फैमिली में बरका जीन्स है, और इस बरका जीन्स की वजह से उसे ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो वो जो है ना सेफ्टी के लिए अपने ब्रेस्ट रिमूव करवा लेती है, जो प्रोटेक्टिव सर्जरी है पहले से वो सर्जरी करवा लेती है ताकि फ्यूचर में आगे जाके मुझे इस तरह का कोई मसला ना हो। तो फैमिली में रन होना, दूसरी बात जैसे इस तरह की कोई चीज़ आप महसूस करो तो आप फौरन जाके आईने के सामने खुद को एग्जामिन करो, आप जैसे ही महसूस करो आप फौरन डॉक्टर के पास जाए। हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं या हमारा हेल्थ सिस्टम है, अलमिया ये है कि आज बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मैटरनल मॉर्टलिटी रेट है, जचकी के दौरान ख़वातीन का जो ख़वातीन की अमवात है, हाईएस्ट बलूचिस्तान में है, हाईएस्ट बलूचिस्तान में है। दुनिया में जितने भी गरीब सूबे हैं आप उससे भी बदतर जा चुके हो, आपका हेल्थ सिस्टम का मेयार ज़ीरो से भी नीचे गिर चुका है। लेकिन इन हालात में कम से कम आवाम ख़ुद को बचाने के तरीके ढूंढ ले, आवाम ख़ुद को इस तरह मौत के हाथों में ना दे दें। हमारे रोडे जो आए रोज़ चार चार लाश, पांच पांच लाश हमारे घरों में आ रहे होते हैं, या फिर हमारे फैमिलीज में, हमारे पेरिफेरी में हालत ये है कि जचकी के दौरान कई फीमेल्स मर रहे होते हैं। मेरे अपने ख़ुद के फैमिली में मेरे घर में तीन यतीम बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी खुद की आंटी जब ब्रेस्ट कैंसर से वफात पा जाती है तो उसके बच्चों को आज तक संभालने वाला कोई नहीं, हम संभाल रहे हैं। हम सब किसी न किसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, और जब तक हम इन जिम्मेदारों को ढूंढें, हम अपने सिस्टम को कोसें, इसी दौरान में कम से कम हम अपने हिफाजती इकदाम खुद अपनाएं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सेमिनार हो या दीगर ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो या ट्रैफिक के इश्यूज़ हो, कम से कम हम खुद को अवेयर करें। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की खामियाँ हमारे सामने हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम की खामियाँ हमारे सामने हैं, लेकिन दूसरी बात बीइंग इंडिविजुअल, एक शहरी होने के नाते हमारे जो फराइज बनते हैं अगर हम वो भी पूरे ना करें तो इसका मतलब हम भी गुनाहगार हैं। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो सके, हमारे जितने भी सतही इश्यूज़ हैं कम से कम हम इनके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं जो हमारे लोगों को मौत की जानिब ले जा रहे हैं, चाहे ड्रग्स हो आपके, चाहे रोड एक्सीडेंट्स हो, या ब्रेस्ट कैंसर हो, या दीगर ऐसे थैलेसीमिया हो गया, स्किन कैंसर हो गया, इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को हम लोग डिस्कस करें अपने समाजी हवाले से। पॉलिटिकल शऊर यही होता है, कोई आसमानी मौजूद नहीं होता। जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं पॉलिटिक्स वो नहीं होता, जो आपके समाजी मसाइल होते हैं उनको हल करना पॉलिटिक्स होता है। आप इन चीज़ों को हल करें, आप अपने माशरे को, अपने लोगों को अवेयर करें, बाकी एहतसाब बाद की बात है, एहतसाब तो होगा।
जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग मरते जा रहे हैं, ना सिर्फ गोलियों में, ना सिर्फ बमबारियों में, बल्कि कैंसर से जो मर रहे हैं, जो लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, जो लोग ड्रग्स की वजह से मर रहे हैं, इन सब का एहतसाब होगा उन तमाम लोगों से जो जिम्मेदार है। लेकिन इससे पहले हमें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आज जो NDP ने और वुमेन फोरम ने जो प्रोग्राम रखा है उनका मैं मशकूर हूँ। अच्छे एक चीज़ पे उन्होंने एक अवेयरनेस सेशन रखा, ये बहुत ज़रूरी है हमारे आवाम के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह के सेशंस जो है ऐसे किसी हॉल में लोग बैठे हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एजुकेटेड हैं, इनको ऑलरेडी पता है। मुझे लगता है कि हमें ऐसे एरियाज में जहाँ पर लाइट सयाब है, ये इस तरह के जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है, इस एरियाज में जाके वहाँ पर कुछ ऐसे सेशंस रखना चाहिए इन लोगों को, जो खास करके फीमेल है जिनको कुछ पता नहीं है, उन लोगों को जाके बताना चाहिए। वहाँ पर हम एरिया में जमा होकर हमारे डॉक्टर्स जो हर साल बलूचिस्तान में तकरीबन हो ना हो 40-50 डॉक्टर तो निकलते हैं, तो इतने डॉक्टर्स हमारे बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो सारे मेडिकल करके आ रहे हैं, उस सबको चाहिए कि वो इस तरह के एरियाज में, ऐसे इलाकों में जाके ऐसी औरतों को अवेयरनेस सेशन दें। क्योंकि कैंसर, सबसे पहले तो ये है कि कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ख़ास करके बलूचिस्तान में, एक तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल ना होने की वजह से, दूसरा ये है कि बलूचिस्तान गरीब से गरीब तर सूबा बनता जा रहा है। यहाँ पर गुर्बत इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी है कि हमारे नौजवान मजबूर होकर जो है सुसाइड की तरफ जा रहे हैं या फिर गलत कामों की तरफ जा रहे हैं या तो वंशियात का शिकार हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम जो है उसकी जड़ को पहले देखना चाहिए कि एक मुश्किल आ रही है वो आ कहाँ से रही है। हमारी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जैसे कि डॉक्टर सबिया ने बताया। अब वो एक डॉक्टर है, वो बेहतर जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है, बीइंग अ लॉयर जो है मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती। लेकिन मैं समझती हूँ कि औरतों को इस तरह की वो होने चाहिए। मैं हमारी मेरी अपनी फैमिलीज में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। मेरी एक कज़न जो मेरी एज की, उसके दो बच्चों की माँ थी, और जैसे ही डायग्नोज हो गया उसका कैंसर कराची में, तो विद इन 1 वीक उसकी डेथ हो गई। मतलब इतना हमें मौका भी नहीं मिला कि उसकी ट्रीटमेंट करवा सके। अगर करवा भी लेते तो उनकी इतनी वो नहीं थी कि ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो आगा खान एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल बनाए लोगों को लूटमार के लिए, तो इतने उन लोगों की बेचारों की अप्रोच नहीं थी कि वो उसका ट्रीटमेंट करवा सके, उसकी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त है, मेरे साथ ही लॉयर है, उसकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ है, अचानक पता चला उसका डायग्नोज हुआ यहाँ क्वेटा में, वो यहाँ से कराची चली गई तो पता चला कि उसको कैंसर है। तो एक के बाद एक जो है इस तरह के हम लोगों को, 1 महीने में मैंने पता नहीं कितने सारे लोगों का सुना। तो उसका भी ब्रेस्ट कैंसर था, खैर उसके लिए ये हम लोगों ने वो उसका कीमोथेरेपी चल रहा है वो उसमें कराची में, लेकिन उसकी इतनी अप्रोच नहीं है, ना ही उसके पास इतने पैसे है कि वो ट्रीटमेंट करवा सके। मैंने खुद जो है यहाँ पर MPS के पास इधर उधर अपने बार में हर जगह मैंने उसके लिए एप्लीकेशन दी, फंड के लिए लोगों की मिन्नतें की कि इस बेचारे की ज़िंदगी आप लोग बचा ले, इतने पैसे दे, क्योंकि लाखों रुपए का जो खर्चा हो रहा है वो इतने पैसे तो बलूचिस्तान में तुम्हें समझती हूँ कि किसी के पास, शायद 5% लोग हमारे जो है वो प्रॉपर्टी वाले होंगे, उसके अलावा तो हम सारे लोग ऐसे ऐसे, हमारा जो बैकग्राउंड है हम सारे गरीब तबका है, गरीब फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग अपनी एजुकेशन इतनी मुश्किल से कंप्लीट करके आते हैं, वो भी अपने फीसेस अपने सारे खर्चे मुश्किल से करते हैं, तो हम इतनी बड़ी बीमारी को किस तरह से सर्वाइव इसमें कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने इसमें डील कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बलूचिस्तान में इसके केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त आप रेशो देखें कैंसर का, वो सबसे पहले नंबर पर है। बलूचिस्तान में बेरोज़गारी का रेशो देखें वो भी पहले नंबर पर आ रहा है, इवन कि डाइवोर्स का रेशो देखें वो भी पहले नंबर पर आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। बलूचिस्तान इस कदर जो है दिन ब दिन ऐसे, मतलब तकलीफ़ होती है हमें ये चीज़ों को जब हम ये सोशल मीडिया पर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अपने बलूचिस्तान अपने वतन के ये हालात देखते हैं,
तो हम लोग चाहते हैं, हमें ये कहना चाहिए कि हमें अपने नस्लों को एजुकेशन की तरफ ले आना चाहिए। जब हमारी नस्लें पढ़ेंगे तभी तो हम जो है मुश्किलों से लड़ेंगे, तब हमें नॉलेज होगी, तभी हमारी ये जो रेशोज है ये शायद थोड़ी कम होंगी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतनी समझ है नहीं है इसके बारे में। मैंने अपने जिस दोस्त का जिक्र किया था वो आई हुई है, मैं उसे स्टेज पे बुलाऊंगी, फिर आप लोग खुद सुनेंगे कि इस हवाले से क्या बात करनी है। बाकी आप सब लोगों का टाइम लिया मैंने इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी और जो तहरीक है उन दोनों ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया और उन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया। सबसे पहले तो मैं कहूँ अगर बलूचिस्तान में आगाही हो भी तो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लैब टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे बलूचिस्तान के पेशेंट्स हैं उनका कैंसर जब भी डायग्नोज हुआ है वो थर्ड या फोर्थ स्टेज पे जो है डायग्नोज होता है लेको फैसिलिटीज़ की वजह से। मुझे फरवरी में इसकी शिकायत हुई, एक लम्प था जो मैं 2-3 महीने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के चक्कर काटती रही। मैं मुख्तलिफ सर्जन से, लेडी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलती रही, उन्होंने टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किए, एंड दे शोड मी दैट देयर इज़ नथिंग, जस्ट मैस्टाइटस है ये। लेकिन उसके बाद मैं सेटिस्फाई नहीं थी, फिर मैं खुद एक अवेयरनेस थी मुझे एजुकेटेड हूँ तो मैं कराची गई, वहाँ पे मैंने FNAC करवाई और बायोप्सी करवाई, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर और वो थर्ड स्टेज पे है। तो डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा कि ये इतना ज़्यादा फैल चुका है आपका, ये थर्ड स्टेज पे आ चुका है तो आपको कैसे पता नहीं चला। मैंने उनसे यही कहा कि मैं क्वेटा में, मैंने लापरवाही नहीं बरती, जितना मेरे पास हुआ मुझसे हुआ मैं जाती रही हूँ डॉक्टर्स के पास, लेकिन वहाँ पर ये डायग्नोज नहीं हो सका। तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंथ्स हो चुके हैं मेरी ट्रीटमेंट के और बहुत अच्छा मैं रिकवर कर रही हूँ। बलूचिस्तान में तो एक सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हमारे जो घरेलू माहौल हैं आज भी हम उन्हीं सिस्टम्स में फंसे हुए हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सेल्फ़ मेडिकेशन पर आते हैं, उसके बाद जब मुझे ये बीमारी हुई तो मुख्तलिफ मोहल्ले की औरतें ख़ानदान के आते थे, आप बिरजू लगाएँ, काली मलहम लगाएँ, आप दम करवाएँ, नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना, ये जहर फैल जाएगा, आप दम करवाएं, यानी कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, वो ट्रीटमेंट की तरफ आते ही नहीं है। तो मैं फ़ीमेल से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये एक बीमारी है, अगर बर वक्त इलाज किया जाए इलाज हो सकता है, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें, आप पहला जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ ट्रीटमेंट होनी चाहिए डॉक्टर से, ना कि बिरजू और काली मलहम वगैरह से।